हेलो चिल्ड्रन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी कि हुआंग टी नाम का एक सम्राट था चीन में, जो जब भी कभी घूमने के लिए जाता था तो ऐसा रथ लेकर जाता था जिस पर एक मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की खास बात ये थी कि रथ किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन जो मूर्ति का राइट हैंड था वो हमेशा दक्षिण की तरफ पॉइंट करता था। और आपका सवाल था कि मूर्ति में ऐसा क्या खास था। मुझे आपने बहुत सारे आंसर्स भेजे हैं मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और आपने सही पहचाना है बच्चों, उस मूर्ति में लगा हुआ था मैग्नेट। और हमें पता है कि मूर्ति कहीं भी घूमती थी, लेकिन जो मैग्नेट है इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट हमेशा फ्रीली रहने पर कहाँ बताती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम बनाना सीखेंगे अपना खुद का चुंबक। है ना काफी इंटरेस्टिंग, आइए सीखते हैं। तो आइए बनाते हैं अपना खुद का एक चुंबक। अपना चुंबक स्वयं बनाइए, मेक योर ओन मैग्नेट। अपना खुद का चुंबक बनाने के लिए बच्चों आपको चाहिए एक बार मैग्नेट, एक आयरन की स्ट्रिप, जैसे कि आप लोहे का छोटा सा स्केल ले सकते हैं, या कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का पतली सी लोहे की पट्टी चाहिए आपको। तो क्या करना है आपको, एक टेबल पे ये आयरन स्ट्रिप रखेंगे। उसको रखने के बाद आप यहाँ पर एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट को लोहे की पट्टी पर आपको घिसते हुए चले जाना है फर्स्ट कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक। जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे आपने दोबारा से यहाँ पर वापिस आना है और उसी एंड से, यानी कि जब आपने नॉर्थ पोल से अगर स्टार्ट किया है तो उसी कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है। दोबारा इसको यहां से लेकर यहां तक पूरा इसको घिसना है, रगड़ना है आयरन की स्ट्रिप पर। ये प्रोसेस आपने 30 to 40 टाइम्स करना है। जब आप 30 से 40 बार मैग्नेट को रगड़ेंगे आयरन स्ट्रिप पर तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी आयरन की स्ट्रिप है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी कि वो भी खुद एक चुंबक बन जाएगी। और उसको चेक करने के लिए आप कोई भी लोहे की पिन, सेफ्टी पिन या कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स अगर इसके पास लेकर जाएंगे तो ये स्केल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये तरीका है एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का। इस तरह से हम अपना खुद का चुंबक तैयार कर सकते हैं। यहां पर दो चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहला तो ये कि जिस किनारे से आप स्टार्ट करेंगे मैग्नेट के, आपने उसी किनारे को रिपीट करना है। यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल से आप पट्टी के इस एज पर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बार बार घुमाकर नॉर्थ पोल लाना है। यानी कि चुंबक का ध्रुव पोल तथा इसी लोहे की पट्टी पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। ना तो आपको पोल चेंज करना है और ना ही डायरेक्शन जो है वो उल्टानी है। जिस डायरेक्शन में आप पहले रगड़ रहे थे उसी डायरेक्शन में आप रगड़ते रहेंगे। तो चलिए करके देखें इसे बच्चों। हम इस स्केल को मैग्नेट बनाने जा रहे हैं इस बार मैग्नेट की हेल्प से। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये स्केल जो है क्या इस आयरन पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बार मैग्नेट लेंगे। एक ध्यान देनी चीज वाली चीज ये है कि जो पोल आप स्टार्ट करेंगे जिस पोल से, आपने पोल चेंज नहीं करना। जैसे यहां पर मैं नॉर्थ पोल को स्टार्ट करने लगी हूं इस पे रगड़ने के लिए, तो हम नॉर्थ पोल को रगड़ेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक लेके जाएंगे, फिर वहां से हाथ को उठाएंगे और वापस लेके जाएंगे। इस तरह से बार बार आपने इसे रगड़ना है। ये प्रोसेस हमें 30 से 40 बार करना है। साथ साथ आपने जो डायरेक्शन है मैग्नेट के रगड़ने की स्केल पर वो भी नहीं बदलनी है। यहां मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट यहां मैं जा रही हूं तो मैंने लेफ्ट टू राइट ही कंटिन्यू करना है। हमने यहां पर 25 से 30 बार रगड़ चुके हैं इस स्केल को मैग्नेट से। तो चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है, क्या ये मैग्नेट बन चुका है। इसको हम इस पिन के पास लेकर जाते हैं। ये देखिए कितना इजीली इसने पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एक बार दोबारा लेकर जाते हैं। ये देखिए जो आयरन नेल है वो इसके साथ बिल्कुल
चिपक गया है, इसका मतलब हम अपना मैग्नेट खुद भी बना सकते हैं। तो बच्चों मजा आया ना मैग्नेट बनाकर। इसी तरह से अब आपको एक काम करना है, क्योंकि है अब आपकी बारी। आपने एक लोहे की सुई को, जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो सुई ले सकते हैं, उस सुई को मैग्नेटाइज करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने एक लोहे की स्ट्रिप को मैग्नेटाइज किया था, मैग्नेट को रगड़ के, उसके बाद उसे एक फॉर्म में डालकर आपने पानी के मग में तैराना है। आप ये देखेंगे कि जब वो तैरना रुक जाता है उसका, तो वो कहां पॉइंट करती है। अब क्योंकि वो एक मैग्नेट है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 131 पर एक्टिविटी 6 नाम से दी हुई है। आप ये एक्टिविटी करिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फन विथ मैग्नेट्स। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।